एवरी वन वेलकम बैक एंड इन दिसंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैपिटल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है एबीसी इंजीनियरिंग कंपनी इज जनरेटिंग वन लैक यूनिट्स ऑफ वेस्ट मटीरियल पर एनम तो वन लाख यूनिट ऑफ वेस्ट मटीरियल पर एनम ए इंजीनियरिंग कंपनी जो है दैट इज जनरेटिंग फिर ये जो वेस्टेज है कैन बी फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड एट रुपीज वन थाउजेंड पर यूनिट ये जो वेस्टेज रहेगा वो आगे प्रोसेस करके एक हजार रुपया पर यूनिट में बेचा जाएगा वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो इट इज सेवेंटी परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस फिर आउट ऑफ द प्रोसेस वेस्ट मटीरियल ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रीफेब्रिकेटेड कैन बी रीफेब्रिकेटेड तो 25 परसेंट रीफेब्रिकेट किया जाएगा और जिसके लिए हंड्रेड रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट लगेगा और जो रीफेब्रिकेट किया जाएगा प्रोडक्ट वो मार्केट वो सोल्ड भी हम कर सकते हैं पंद्रह सौ रुपये में एंड देर इज अ वेस्टेज ऑफ ट्वेंटी परसेंट फिर ट्वेंटी परसेंट का क्या हो जाएगा वेस्टेज हो जाएगा ठीक है अभी देखो किस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है आपका टोटल यूनिट्स कितना है वन लाख है ठीक है इसमें से प्रोसेस कितना होने वाला है ट्वेंटी फाइव परसेंट होने वाला है तो वन लाख का ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको कैलकुलेट करना है दैट विल बी हाउ मच दैट विल बी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेकिन इसमें से बीस परसेंट आपका वेस्टेज हो जाएगा तो माइनस करना है दैट विल बी ट्वेंटी थाउजेंड तो ये ट्वेंटी थाउजेंड हमको कैलकुलेशन करने में लेना है फर्दर बोल रहा है कि द री प्रोसीजर रिक्वायर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वन करोड़ विद लाइफ ऑफ फाइव इयर्स तो अभी एक डेप्रीसिएशन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और एक रूल भी हम यूज करने वाले हैं डब्ल्यू इज़ रिटर्न ऑन वैल्यू एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी टेन लैक्स दिया है और यहाँ पे आपको सैलवेज भी दे दिया है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है फिफ्टीन परसेंट दैट मीनस दिस कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग दी एनपी बी डिस्काउंटिंग फैक्टर पंद्रह परसेंट का दिया हुआ है तो देखेंगे सारी चीजें एक एक करके मैंने फॉर्मेट बनाया है पहले आपको समझने के लिए ध्यान से एक एक चीज देखना देखो ईयर ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर और ईयर फाइव सबसे पहले हम क्या करेंगे रीफेब्रिकेटेड यूनिट्स लिखेंगे एक एक चीज बता रहा हूँ डोंट गेट कंफ्यूज तो हमने रीफेब्रिकेटेड यूनिट्स कैसे कैलकुलेट किया था वन लैक्स बराबर मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट माइनस ट्वेंटी परसेंट ठीक है कहां से लाया ध्यान से एक बार देख लो देखो वन लैख यूनिट्स थे प्रोसेस कितने होने वाले हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट और उसमें से वेस्ट कितना गया ट्वेंटी परसेंट वन लाख का ट्वेंटी फाइव परसेंट उसमें से ट्वेंटी परसेंट माइनस किया तो हमको मिल गया बीस हजार तो मैंने यहाँ पे सभी कॉलम में बीस बीस हजार लिख दिया ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं देखो अभी बोल रहा है कि रीफेब्रिकेटेड जो होंगे उसके लिए प्राइस भी यहाँ पे दिए हंड्रेड पर यूनिट और ये रीफेब्रिकेटेड जो होगा वो सोल्ड करेंगे फिफ्टीन हंड्रेड पर यूनिट के बेसिस पे देखो सेल्स आफ्टर रीफेब्रिकेशन कितना है सेल्स पंद्रह सौ का रेट दिया था क्या है? करना है आपको ट्वेंटी थाउजेंड को फिफ्टीन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है वी गॉट आंसर करोड़ करोड़ सब में थ्री करोड़ ही आएगा अलग अलग रेट नहीं है फिर देखते हैं देखो आगे बढ़ते हैं द वेस्टेज मटेरियल फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड एट थाउजेंड पर यूनिट तो वन थाउजेंड पर यूनिट सेल जो है फैब्रिकेशन करने के लिए पंद्रह सो थे फैब्रिकेशन करने से पहले आपके सेल्स कितने थे दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू वन थाउजेंड आप बोलेंगे सर ऊपर तो ट्वेंटी थाउजेंड लिया यहाँ पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्यों लिया ये तो री री फेब्रिकेशन करने से पहले वाले सेल्स दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट्स थे फिर उसको हमने बीस परसेंट माइनस किया था तो बीस हजार आया था तो यहाँ पे आपको मिल गया टू करोड़ फिफ्टी लैक्स फिर आपको क्या करना है ये रीफेब्रिकेशन वाले में से ये बिफोर फेब्रिकेशन माइनस करने हैं तो वी विल गेट द आंसर एज इंट्रीमेंटल सेल्स उसको हम क्या करेंगे इंट्रीमेंटल सेल्स दैट इज फिफ्टी लैक्स फिफ्टी लैक्स सब में सेम ही आ जाएगा फिर उसमें हमें रीफेब्रिकेशन की कॉस्ट एडजस्ट करनी है रीफेब्रिकेशन की कॉस्ट कहाँ से ला अभी मैं देखो रीफेब्रिकेशन की कॉस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है कैन बी रीफेब्रिकेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ हंड्रेड पर यूनिट तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ध्यान से समझो अगर ध्यान से समझ में आएगा आपको तो फिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा तो हंड्रेड रुपीज़ उसका कॉस्ट है तो कैसे करेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ट्वेंटी फाइव लैक्स बीस हजार नहीं लेने हैं बीस हजार सिर्फ ऊपर के लिए ही कैलकुलेशन में तो वैल्यू मिल गया सब में ट्वेंटी फाइव लैक्स तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अगर आप कैलकुलेट देखो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है वन करोड़ है ठीक है आपको कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताता हूँ देखो वन करोड़ वन करोड़ के ऊपर पहले ट्वेंटी फाइव परसेंट ढूंढना है फिर जो भी वैल्यू आएगा वो वन करोड़ में से माइनस करना है फिर जो डब्ल्यू आएगा उसके ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट ढूंढना है फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट माइनस करना है सेम वे जैसे कि देखो डेप्रिसिएशन पहले कितना मिला ट्वेंटी फाइव लैक्स कैसे मिला वन करोड़ पे पच्चीस परसेंट तो कितना मिला ट्वेंटी फाइव फिर वन करोड़ में से ट्वेंटी फाइव माइनस किया तो कितना बचता है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव लैक्स पे पच्चीस परसेंट ये मिलेगा फिर वो माइनस करके जो मिलेगा उसके ऊपर पच्चीस परसेंट फिर वो माइनस करके मिलेगा इसके ऊपर पच्चीस परसेंट आप बोलेंगे लास्ट में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा दर इज वन रीजन फॉर दिस एंड दैट इज लास्ट में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा बिकॉज यहां पे अगर हम देखें तो एक ही असेट है तो अगर हम देखें कि एक ही ब्लॉक ऑफ असेट रहेगा तो कैपिटल बजटिंग में रूल है अगर आपका एक ही ब्लॉक ऑफ असेट है मतलब बाकी के असेट्स नहीं है सिंगल असेट्स है तो आपका लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हम कैपिटल बजटिंग में नहीं लिखेंगे ठीक है वो याद रखना आपको इसलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल बजटिंग के बेसिस पे लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा फिर आपको मिलेगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये सब कुछ माइनस करना है फिफ्टी लैक्स ,00 में से ये माइनस किया ये सब में माइनस किया तो विल गॉट आंसर एज सिक्स लैक्स ट्वेंटी फाइव टेन लैक नाइन्टी थ्री फोर्टीन लैक्स फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव लैक्स फिर टैक्स का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया था थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट किस पे कैलकुलेट करना है सिक्स लैक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे तो सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव पे थर्टी फाइव परसेंट कैलकुलेट किया तो ये सारे वैल्यूज मिल गए हर एक के ऊपर थर्टी फाइव परसेंट कैलकुलेट करना है एवरी वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट थर्टी फाइव परसेंट तो आपको मिल जाएगा टैक्स की वैल्यू फिर इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में टैक्स नहीं लिखना है उसके तो लिए कुछ है ही नहीं सेकेंड ई ईयर से आपके वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे फोर लैक्स सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी माइनस करने के बाद दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर सॉरी आफ्टर टैक्स तो आफ्टर टैक्स मिलने के बाद ये सारे वैल्यूज मिल गए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं हम एन पी भी कैलकुलेट करने के लिए फिर कैपिटल बजटिंग में रूल क्या है हमारा पे बैक पीरियड के लिए भी हम डेप्रिसिएशन एडबैक करते हैं तो फिर से डेप्रिसिएशन जो ऊपर लिखा था वही इसमें ऐड करना है बिकॉज वी रिक्वायर वॉट वी रिक्वायर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन इसीलिए ऐड कर लिया तो डेप्रीसिएशन सारे जो ऊपर डेप्रीसिएशन की वैल्यूज है वही ऐड कर ली फिर हमें फाइनल आंसर मिल गया इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो तो ये वैल्यूज हम आगे एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए लेंगे लेकिन अब ध्यान रखना इसमें और एक कंसेप्ट आता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अभी वो कैसे ढूंढने का टैक्स शील्ड कैसे ढूंढने का काफी सिंपल कंसेप्ट है देखो एक करोड़ हमारा मशीन का वैल्यू था ठीक है वन करोड़ हमारा वैल्यू था वन करोड़ में से जितने भी आपके डेप्रिसिएशन लिखे हैं आपने डेप्रिसिएशन कितने लिखे हैं देखो ट्वेंटी फाइव लैक्स एटीन लैक्स सेवेंटी फाइव फोर्टीन लाख सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी एंड टेन लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स एटी एट ये सभी को आपको ऐड करना है और लेस कर देना है एक करोड़ में से तो आपको वैल्यू मिलेगी थर्टी वन लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड सिक्सटी टू दिस इज कॉल्ड एज डब्ल्यू डी वी ऑफ द असेट ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ दिस इज द फॉर्मेट विच इज फिक्स एवरी क्वेश्चन में यही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है तो डब्ल्यू डीवी कितना है असेट का थर्टी वन लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड सिक्सटी टू हाउ डू वी गॉट दैट वन करोड़ की असेट की वैल्यू थी वन करोड़ के असेट के वैल्यू में से डेप्रीसी हमने माइनस कर दिए सारे फिर आपको देखो क्वेश्चन में सैलवेज की वैल्यू भी दी है तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में सैलवेज की वैल्यू है टेन लैक्स तो आपको क्या करना है सैलवेज की वैल्यू इसमें लेस करनी है तो सैलवेज की वैल्यू लेस कर दी डब्ल्यू डी वी में से सैलवेज सैलवेज का मतलब होता है स्क्रैप तो सेल्वेज की वैल्यू लेस करने के बाद वी गॉट द आंसर एज बैलेंस दैट इज ट्वेंटी वन लैख सिक्सटी फिर इसमें आपको क्या करना है इसमें से टैक्स माइनस करना है इसका भी टैक्स अलग से माइनस करना है तो 35 परसेंट किस पे कैलकुलेट करना है ट्वेंटी वन लैख के ऊपर 35 परसेंट कैलकुलेट करना है विल गेट दी आंसर है सेवन फिर इसमें वर्किंग कैपिटल को प्लस करना ये फॉर्मेट याद रखना सिर्फ फॉर्मेट के बेसिस पे ही जाना है आपको तो आपका वर्किंग कैपिटल देखो क्वेश्चन में दिया था कि वर्किंग कैपिटल रहेगा टेन लैक्स ,00 का तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल टेन लैक्स यहाँ पे एड करना है तो वी गॉट द फाइनल आंसर सेवनटीन लैक फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू ये क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वी विल रिक्वायर इन दी एनपीवी जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी आगे बताता हूँ कैलकुलेट करेंगे तब ये वाली वैल्यू हमको लगेगी अभी देखो कैसे करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर बात करें तो वी हैव ऑल इयर्स आई हैव दिटर्न जीरो फर्स्ट ईयर में नेगेटिव रहेगा फर्स्ट ईयर में कितना रहेगा वैल्यू वन करोड़ 10 लैक्स आप बोलेंगे सर 1 करोड़ 10 लैक्स कैसे मशीन का वैल्यू तो 1 लैख है सॉरी 1 करोड़ है तो कैसे 1 करोड़ 10 लैक्स 1 करोड़ का वैल्यू प्लस टेन लैक्स का आपका वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल भी हमको क्या करना है प्लस करना है तो वी गॉट द आंसर एज दन करोड़ टेन लैक्स फर्स्ट में आपको जीरो ईयर में हमेशा नेगेटिव लिखना है तो नेगेटिव आ गया वन करोड़ टेन लैक्स डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा वन लिखना है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा देखो आपको रेट दिया था फिफ्टीन परसेंट क्वेश्चन में ठीक है तो ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये कैसे करने हैं मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी हंड्रेड डिवाइडेड बाय फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाय फिफ्टीन करेंगे तो मिलेगा जीरो पॉइंट फिफ्टीन इसमें हमको वन प्लस कर देना है तो कैसे होगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन फाइव यह आपका इक्वेशन तो वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन फाइव कैलकुलेटर पे करो इक्वल टू दबाओ आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट एट सेवन जीरो फिर से इक्वल टू दबाओ ये मिलेगा फिर से इक्वल टू दबाओ ये मिलेगा ऐसे आपको हर एक ईयर करना है तो ये वैल्यूज कहाँ से लाए ट्वेंटी फाइव लैख्स ट्वेंटी एट लैक एट ट्वेंटी टू लैक एटी वन थाउजेंड देखो यहाँ से लिखे ये जो लास्ट में आपको आंसर मिला है इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो ये सारे वैल्यूज जो आपको लास्ट में मिले हैं यही वैल्यू हमको यहाँ पे लिखने हैं सबसे पहले मशीन की कॉस्ट में वर्किंग कैपिटल प्लस करके लिखना है वो माइनस में लिखना है आंसर प्रेजेंट वैल्यू भी माइनस में आएगा फिर फर्स्ट ईयर से ये सारे इंक्रीमेंटल कैश के जो आंसर है वो लिखे है डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा और हर एक वैल्यू को आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है एवरी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फिर ये लास्ट में जो वैल्यू लिखा है ये लेस ये कहाँ से लाया यही हमारा वो कैलकुलेशन है दिस एंड दैट इज द टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना मिला सेवेंटीन फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर ट्वेंटी टू तो वही हमको यहाँ पे लिखना है सेवनटीन लैक्स 57,422 और ये जो लास्ट में आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे ये जो ऊपर वाला डिस्काउंटिंग है वही हमको यहाँ पे लेना है सिमिलरली मल्टीप्लाई करना है लेकिन ये माइनस करना है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस डाला है फिर आपको ये सारी चीजें ऐड करनी है जो माइनस है वो माइनस करनी है और ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव और हमेशा याद रखना कि एन अगर नेगेटिव रहेगा तो दैट ऑप्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द कंपनी दैट ऑप्शन कंपनी शुड रिजेक्ट दैट ऑप्शन कंपनी शुड रिजेक्ट एन पी वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव अगर दो मशीन्स है हमारे पास और अगर हमको कंपैरिज़न करना है दो मशीन्स में से और एनपीवी के बेसिस पे जजमेंट देना है तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट द एन पी वी शुड बी पॉजिटिव जिसका भी एन पॉजिटिव रहेगा जिसका भी एन एक दूसरे में अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा रहेगा द हाइयर द बेटर ये याद रखना है तो वही मशीन हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है प्रपोजल था कि रीफैब्रिकेट करना चाहिए मशीन की नहीं करना चाहिए तो रीफैब्रिकेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज एनपीवी सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है तो कंपनी ने ये जो रिफैब्रिकेट करने का या प्रोसेस वेस्ट मटेरियल जो है वो रिफैब्रिकेट करने का जो डिसीजन है वो ऑप्ट नहीं करना चाहिए आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर तो यू थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपके इसके बेसिक क्लियर थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय टेक केयर